नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे ब्रेस्ट रिडक्शन यानी रिडक्शन मेमोप्लास्टी सर्जरी की। कुछ फीमेल्स में ब्रेस्ट के साइज बड़ा होने की वजह से उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे उन्हें इस एरिया में पेन फील हो सकता है, शोल्डर में, सर्वाइकल या नेक रीजन में पेन फील हो सकता है, उन्हें अपना सेल्फ एस्टीम कम लग सकता है और ब्रेस्ट का जो अंडर सर्फेस है उसमें रैशेज या अदरवाइज कोई और इन्फेक्शन होने का भी रिस्क रहता है। हो सकता है कि ऐसे पेशेंट्स कुछ तरह की एक्टिविटीज करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हों और इस वजह से भी वो ये ऑपरेशन करवाना चाह सकते हैं। इस ऑपरेशन में ब्रेस्ट के ऊपर कुछ सेलेक्टिव एरियाज पर कट लगाकर ब्रेस्ट का स्किन और उसके फैट और उसके जो ग्लैंड्स हैं उन्हें रिमूव किया जाता है ताकि जो ओवरऑल ब्रेस्ट का साइज है पहले से कम हो जाए। ये ऑपरेशन करने के लिए एरियोला यानी कि जो निप्पल के अराउंड का डार्क एरिया है और नॉर्मल स्किन के बीच में जो जंक्शन है वहां पर इंसिजन दिया जाता है और ये इंसिजन नीचे की ओर बढ़ाया जाता है ताकि एक्सेस स्किन और फैट और ब्रेस्ट टिश्यू को निकाला जा सके। ज्यादातर कंडीशंस में ये ऑपरेशन करवाना सेफ होता है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर अभी फीमेल को ब्रेस्ट फीडिंग करना है तो प्रेफर्ड है कि पहले आप ब्रेस्ट फीडिंग का फेज कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ये प्रोसीजर करवाइए। या अगर पेशेंट का वेट बहुत ज्यादा है, उसका BMI हायर साइड पे है, पेशेंट ग्रॉसली ओबीज है, तो उस कंडीशन में भी पहले वेट लॉस या बेरियाट्रिक सर्जरी करके वेट लॉस को अचीव करने की सलाह दी जाती है और लास्ट में रिडक्शन मेमोप्लास्टी ऐड की जा सकती है अगर इसकी जरूरत रहे तब। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? ऑपरेशन के बाद पहले कुछ दिन आपको इस एरिया में स्वेलिंग और पेन फील होगी जो धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसमें 2 वीक्स से लेकर 6 वीक्स तक का टाइम लग सकता है। इसके अलावा जहां पर कट लगेगा वहां पर कुछ निशान नजर आएगा। ये कोशिश की जाती है कि ये निशान कम से कम नजर आए, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये निशान हर एक पेशेंट में दिखाई देगा। आपको स्पेशल गार्मेंट्स दिए जाएंगे इस एरिया पे पहनने के लिए ताकि इस पे रिक्वायर्ड दबाव बना रहे और हीलिंग अच्छी हो। इस पूरी हीलिंग में 1.5 महीने से लेकर 2 महीने तक का टाइम लग सकता है। इस दौरान आप अपना रूटीन काम तो सभी कर सकते हैं, लेकिन हैवी काम जैसे जिम जाना या कोई और हैवी काम करना वो इस ड्यूरेशन में अवॉइड करना होगा।